तुझसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूँ एमके एक्सपर्ट, और वो कहते हैं ना कि यदि लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो तो प्यार बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत ही आसानी से हो सकता है। क्योंकि यदि लड़का कामयाब है तो लड़की कैसी भी क्यों ना हो, कितनी से कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, आसानी से एडजस्ट कर सकती है। लेकिन यदि आप कामयाब नहीं हैं, यदि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, यदि आप अनसक्सेस हैं, तो फिर आप उसके पीछे टहलते रह जाइएगा, पूरी ज़िंदगी निकाल दीजिएगा टहलते टहलते, कोई भाव नहीं देगी। समझ में आ रहा है? इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमें जो मतलब जिसकी आप इच्छा रख रहे हैं, जो आप चाहते हैं, यदि वो पाना चाहते हैं, तो फिर आप अभी उसको भूल जाइए। उसको कब याद कीजिएगा? जब आप सफल हो जाइएगा तो उसको याद नहीं करना है, वो खुद आपको याद करेगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे मैट्रिक्स के सभी कॉन्सेप्ट को देखे थे और चार पाँच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। हाँ, चार या पाँच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि उसका टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है या पूछने की संभावना बनती है। और ये जो आपका बुक है जिससे हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये टारगेट का बुक है। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं यहाँ पर, ये टारगेट का बुक है, देख लीजिएगा। तो इसी से आप लोग का जो है अभी ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको अभी बताए जाएंगे टोटल का टोटल टारगेट का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको यहाँ ऊपर में दिख रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि जितना कॉन्सेप्ट बता दिए हैं उसके आधार पर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखना है, और उसके बाद उसका आंसर आपको पहले खुद बनाना है। जब आप आंसर बना लीजिएगा, उसके बाद जो हम यहाँ बनाएंगे उससे आप उसको मिला लीजिएगा, आपका जो है टोटल का टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का कॉन्सेप्ट भी हम देते चलेंगे, यदि कुछ छूट गया हो तो उसकी जानकारी भी हम आपको साथ साथ देते चलेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर रोज लगातार वीडियो मिलने वाला है। कब तक? जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, यानी क्लास ट्वेल्थ और क्लास टेंथ के एग्जाम की पूरी तैयारी, खासकर गणित की, वो अब हमारी जिम्मेवारी है। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ 1 से 2 घंटे का वक्त देना है, इसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वादा ही नहीं, आपको विश्वास दिलाएंगे कि यदि आपने लगातार मेहनत किया हमारे साथ, तो निश्चित ही आप 90% एवं मार्क्स कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऊपर यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको करना क्या है कि यहाँ से इसका आंसर कर लेना है पहले खुद से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ऊपर दिख रहा होगा, देखिए ए का मान दिया गया है, ए बराबर, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, 1 2, और बी बराबर, बी बराबर कितना है बाबू, 1 2। सवाल आपसे पूछता है कि ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा, अर्थात कहता है कि दोनों को गुना करके बताइए कि दोनों का गुणनफल क्या होगा। ए को बी से यदि आप गुना करेंगे तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिएगा, गुना करने के लिए तो बहुत ही आसान चीज़ है। पहली चीज़ हम आपको यहाँ बता दें, एक कि दो अवयव को आप गुना तभी कर सकते हैं जब पहले अवयव के पंक्ति में अवयव है उतना ही दूसरे अवयव के स्तंभ में अवयव होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, जितना पहले अवयव के पंक्ति में अवयव है उतना ही दूसरे अवयव के स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तब जाकर आप किसी अवयव को गुना कर सकते हैं। तो यहाँ तो आसान है, गुना कर सकते हैं। देखिएगा, गुना करने के लिए क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिए, 1 2, और बस इसके बगल में इसको लिख दीजिए, 1 2। करना क्या है, पहला वाला को पहला वाला से गुना, दूसरा वाला को दूसरा वाला से गुना, बीच में प्लस का चिन्ह लिखना है, गुना हो गया। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा बाबू, 5 के बराबर। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। एक बार आंसर मिला लीजिएगा,
इसका आंसर 5 के बराबर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लीजिएगा। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपको दूसरा सवाल ऊपर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऊपर, आपको ऊपर में दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक बार ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन आपको ऊपर में दिख रहा होगा। सवाल आपका कहता है ए बराबर कितना है बाबू? ए बराबर है 1, 2, 3, 4। इसके बाद है आई बराबर 1001। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आई ए बराबर क्या होगा, सॉरी आई ए का मान कितना के बराबर होगा, आई ए का मान कितना के बराबर होगा। देखिए यहाँ आई का मतलब है 1। ठीक है, अव्यूह में यानी मैट्रिक्स में जहाँ भी आई लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझना है कि आई का मतलब वन। तो बताइए कि यदि किसी अव्यूह को 1 से गुना किया जाए, यदि किसी अव्यूह को 1 से गुना किया जाए तो कितना के बराबर होगा। या मान लीजिए कि कोई यहाँ पर चर है और उसको आप 1 से गुना कर रहे हैं, तो 1 से गुना करने पर तो ज्यों का त्यों हो जाता है ना, यानी कितना के बराबर होगा, ए के बराबर। ठीक है, तो यदि आप किसी मैट्रिक्स में आई से गुना कीजिएगा तो उसका गुणनफल पहले वाले मैट्रिक्स के जैसा हो जाएगा, यानी जो पहले था उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, यानी ज्यों का त्यों हो जाएगा, ए के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। ए बोले तो 1, 2, 3, 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार सवाल को वहां से देखिएगा और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो हम खुद भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं, आपके अंदर उतनी क्षमता है, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है, आपके अंदर उतनी पावर है कि आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। क्वेश्चन आप बना तो सकते हैं लेकिन आप वक्त ज़्यादा ले लीजिएगा, आप समय ज़्यादा ले लीजिएगा क्वेश्चन को बनाने में। हम आपको ये सिखाते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाएंगे, कितना कम समय में क्वेश्चन को कितना जल्दी से बनाएंगे और सटीक तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और यही चीज़ हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी यही काम आने वाला है, यही मेन चीज़ होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है ए बराबर 3, 4, 5, सॉरी बीच में कॉमा नहीं होगा, और बी बराबर है आपका 1, 2, 1। क्या पूछ रहा है, पूछता है कि a प्लस b का मान क्या होगा, यानी a प्लस b दोनों को जोड़ने पर क्या होगा। एक बार जल्दी से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा कि दोनों का योगफल कितना के बराबर होगा। a का मान यहाँ दिया गया है, b का मान यहाँ दिया गया है, तो कहता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा। सुनिए, आप दोनों अव्यूह को तभी जोड़ सकते हैं या तभी घटा सकते हैं जब दोनों अव्यूह की कोटि समान होगी। यदि दोनों अव्यूह की कोटि समान है तो उसको आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, यदि दोनों अव्यूह की कोटि समान नहीं है तो फिर ना ही आप उसको जोड़ सकते हैं और ना ही आप उसको घटा सकते हैं। तो यहाँ तो दोनों अव्यूह की कोटि समान है। इसमें देख लीजिए, एक पंक्ति है, 3 गो स्तंभ है, यानी 1 × 3 कोटि का है। ठीक है, यह भी आपका 1 × 3 कोटि का है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। अब जोड़ने का कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जब दो अव्यूह आपका दिया गया हो और दोनों अव्यूह की कोटि समान हो, दोनों अव्यूह की कोटि समान हो, तो उसको जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। पहले अव्यूह को उठाकर दूसरे अव्यूह पर रख दीजिए या दूसरे अव्यूह को उठाकर पहले अव्यूह पर रख लीजिए, ऐसा आपको अपने मन में सोचना है। जो अव्यव जिस अव्यव के सामने जाएगा उसको उसी के साथ जोड़ दीजिए या घटा लीजिए।
तो देखिए, जब इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो 3 × 1 4, 4 × 2 6, 5 × 1 6, जोड़ लीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 6 6। ठीक है, इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा? 4 6 6 के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक एक सवाल देखते चलिएगा, हर सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर सवाल को आप पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, इससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन को बनाने के प्रति। ठीक है, अगले सवाल जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, सवाल कहता है कि a बराबर 1 2 −1 −3, तो a ट्रांसपोज बराबर क्या होगा। चलिए, a ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आपको बताए हैं कि यदि ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको कहे, कोई अवयव दे दे और आपको कहे कि उस अवयव का ट्रांसपोज निकालना है, यानी उसका परिवर्त निकालना है, तो उसका परिवर्त निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? बहुत आसान काम करना है। देखिएगा, जो आपको यहाँ पर पंक्ति के रूप में दिख रहा है, बस उसको केवल स्तंभ के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, जो ऐसे पंक्ति के रूप में उसको ऐसे खड़ा कर देना है, 1 2 ऐसे है सूतल तो उसको खड़ा कर दीजिए, तो 1 2 −1 −3 सूतल है तो उसको खड़ा कर दीजिए, −1 −3, देख लीजिए। तो ये बन गया आपके ए ट्रांसपोज का मान। ठीक है, ट्रांसपोज कहिए या उसको परिवर्त भी कह सकते हैं आप, कभी कभी हिंदी में लिखता है तो परिवर्त लिखेगा, ठीक है, यदि इंग्लिश में लिखता है तो ट्रांसपोज लिखेगा, या फिर ऐसा जो है सिंबल दिया हुआ रहेगा, तो आपको इससे भी समझ जाना है कि आपको एक के परिवर्त का मान पूछा जा रहा है, यानी उसका ट्रांसपोज पूछा जा रहा है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है कि यदि कोटि 2 का व्युत्क्रमीय अवयव है, तो डी ई टी ए इनवर्स बराबर होगा। ऐसे ये सवाल डिटर्मिनेंट का है, लेकिन यहाँ पर यदि लिख दिया है तो हम इसको बना ही लेते हैं। ठीक है, समझिए, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि कोई मान, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है अवयव का मान, यानी मैट्रिक्स का मान। तो जो मैट्रिक्स का वैल्यू निकल कर आएगा, मान लीजिए कि मैट्रिक्स का वैल्यू निकल कर आया 5, हम मान लेते हैं मैट्रिक्स का वैल्यू निकल कर आया 5। ठीक है, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है अवयव का मान, यानी उसका वैल्यू। तो मान लिया जाए कि उसका वैल्यू 5 है और कहता है कि उसके पावर में −1 कर दीजिए, तब पावर में −1 करने का क्या मतलब होता है? 1/5 नहीं, पावर में यदि −1 करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि 1/5 होगा। अच्छा चलिए, तो जब 1/5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 क्या है, तो 5 है अवयव का मान, और अवयव के मान को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा आपका DETA, यानी 1/A डिटर्मिनेंट A। ऐसे इसकी जानकारी हम आपको अगले एक्सरसाइज में देंगे बेहतरीन तरीके से। ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का है, लेकिन इसमें दे दिया है तो कोई बात नहीं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है देखिएगा, सवाल आपका है, ऊपर दिख रहा होगा सवाल, आप बनाने का प्रयास कर लीजिए सवाल को। कहता है कि यदि ए 3 × 3 कोटि का अवयव है, 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमीय वर्ग अवयव है, तो ADJ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कितना के बराबर होगा? ये सवाल भी डिटर्मिनेंट का ही है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है तो हम इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। देखिए, घबराइएगा नहीं ऐसे सवाल से, बस हमारा कॉन्सेप्ट जो है, जो हमारा लॉजिक है, उसका प्रयोग करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, हाँ, ऐसे सवाल को देखकर घबराना नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का जो हम कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, बस इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है आपको एग्जाम में जाकर, आप सवाल को बहुत ही बेहतर तरीके से बना पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि अवयव 3 × 3 कोटि का है और आपको क्या निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट ए के पावर में 2 के बराबर। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए पूछ रहा है तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए,
और जितना कोटि का अवयव रहेगा उससे एक कम पावर में लिख देंगे, उससे एक कम पावर में लिख देंगे तो बन जाएगा इसका आंसर। फिर से एक बार, जितना कोटि का मैट्रिक्स रहेगा उससे एक कम इसके पावर में लिखेंगे तो आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और वही क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं जो क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बस उसी क्वेश्चन को लेकर हम आ रहे हैं आपके सामने। अगला सवाल आपका कहता है कि यदि ए एक व्युत्क्रमीय अवयव है तो ए का व्युत्क्रम अवयव माइनस ए के पावर माइनस ए हो तो, देखिएगा ए और ए के पावर माइनस ए, ठीक है यहाँ पर यही ना पूछ रहा है, कह रहा है कि ए यदि व्युत्क्रमीय अवयव है, मान लीजिए कि ए जो है ए का व्युत्क्रम निकालना संभव है और उसके व्युत्क्रम को यहाँ पर दिखा रहा है ए के पावर माइनस वन से, तो नीचे चार ऑप्शन दिया गया है। कहता है कि ये दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा, ये दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा, किस प्रकार का रिलेशन होगा। एक बार और समझिए सवाल को, सवाल कहता है कि ए जो है ए कोई व्युत्क्रमीय अवयव है, जिसका व्युत्क्रम निकालना संभव है उसको व्युत्क्रमीय अवयव कहते हैं, ठीक है, और उस व्युत्क्रमीय अवयव को जो है ए इनवर्स से दिखाया गया है, यानी ए के पावर माइनस वन से दिखाया गया है, यानी यह आपका अवयव है और ये जो है उसका व्युत्क्रम है, ये क्या है उसका व्युत्क्रम है, ठीक है, यह है उसका व्युत्क्रम। तो आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, सुन लीजिए। तो हम आपको बता दें कि कोई संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा एक के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। कोई संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा एक के बराबर होता है। उसी प्रकार से यहाँ है आपका ए और ए का व्युत्क्रम है माइनस ए, तो दोनों का गुणनफल कितना के बराबर होगा, एक के बराबर। और हम आपको बताए हैं कि मैट्रिक्स में एक का मतलब होता है आई, एक का मतलब क्या होता है आई, यानी तत्समक अवयव, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, आई के बराबर, कितना के बराबर होगा, आई के बराबर। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, सवाल काफ़ी मज़ेदार है, आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, ठीक है बाबू। चलिए देखिए अगले सवाल को देखेंगे। कहता है ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, तो ए प्लस बी का मान आपसे पूछ रहा है। ए बराबर क्या दिया गया है बबुआ, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बी का मान क्या दिया गया है, 11 के बाद 10, 9, 8, 7, 6। पूछ रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, फटाफट से जोर कर बता दीजिए कि ए प्लस बी का मान कितना के बराबर होगा। इतना आसान है इसको जोड़ना कि आप आसानी से जोड़ कर बता दीजिएगा कि ए प्लस बी का मान कितना के बराबर होगा। देख लीजिए, जल्दी से जोड़ दीजिए कि ए प्लस बी का मान कितना के बराबर होगा, आसान है, जोड़िए 11 9 20 10 10 20 11 9 20 12 8 20 13 7 20 14 6 20। ठीक है, तो a प्लस बी का मान आपका निकल गया इस तरीके से, देख लीजिएगा a प्लस बी का मान निकल गया। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है, यही सवाल है अगला, सेम टू सेम सवाल है, इसमें क्या बदलाव किया है बाबू, तो बदलाव यही किया है कि 2a प्लस 2b का मान क्या होगा। सेम सवाल है, बदलाव सिर्फ इतना है कि 2a प्लस 2b का मान क्या होगा। देखिए कितना आसान काम करना है, यहाँ से दो कॉमन ले लीजिए तो बच गया a प्लस b का मान, a प्लस b, अब बताओ a प्लस b कितना के बराबर है, तो a प्लस b आपका है 20 20 20, सब 20 से 20 है,
और उसको दो से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, दो से जैसे ही गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 40 40 40 40 40, ठीक है, तो उसका मान हो जाएगा आपका 40 40 40 के बराबर। ठीक है बाबू, देख लीजिएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। जन गइनी हो जान, जान गइनी जान, हो प्यार लिखल नहीं खे, हाथ के लकीर में नहीं खुता कदीर में, जान प्यार लिखल नहीं खे। चलिए आप देखिए, ए बराबर दिया गया है आपका कितना, 1 -1 -1 1, तो पूछ रहा है कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जब आपका अभी 2 × 2 कोटि का है, ठीक है, जब आपका अभी 2 × 2 कोटि का है तो ए स्क्वायर का मान निकालना काफ़ी आसान होता है, ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, देखिए जो आपको आगे दिख रहा है, ठीक है, जो आपको आगे दिख रहा है उसको ठामे आगे पटक दीजिए, यानी इसका मान हो जाएगा 2a के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर। बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे बाबू, आप लोग तो यही करने लगिएगा ना, फिर ए स्क्वायर का मान निकालना शुरू कर दीजिएगा। निकालना नहीं है, बनाना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निक का प्रयोग करना है सवाल को सॉल्व करने में। किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको, हाँ, एक दो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे जो सवाल आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप सिर्फ टेक्निक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, सीधा सीधा उसका आंसर बना सकते हैं, तो वैसे सवाल को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, वैसे सवाल को आप सीधे सीधे सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, 2a के बराबर होगा। अगला सवाल, सवाल आपका कह रहा है कि a बराबर है 3 6 5 -4 और b बराबर है 7 8 5 6। ठीक है, तो पूछता है कि 2a + 3b का मान क्या होगा, 2a + 3b का मान कितना के बराबर होगा, 2a + 3b का मान कितना के बराबर होगा। एक बार सभी लोग बेहतर तरीके से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। 2a + 3b का मान देख बाबू, यहाँ 2a यानी 2 में जो है, पहले a में जो है 2 से गुना करना है। a आपका कितना है, 3 6 5 -4 आप प्लस 3 × b में 3 से गुना करना है तो 7 8 5 6। चलिए फटाफट गुना कर दीजिए, 6 12 10 -8 इसके बाद प्लस 21 24 15 18। जोर बाबू, जल्दी 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 जोड़िए, 21 6 27 24 26 और यहाँ हो जाएगा आपका 26 और 10 36। इसके बाद 15 10 25, यहाँ हो जाएगा 18 में से 8 घट गया तो कितना हो जाएगा, 10, यानी 27 26 25 27 26 25। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, सॉरी 27 36 25 10, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, 27 36 25 10 इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे और फिर इसको बनाएंगे भी। ठीक है, देखिए सवाल आपका कहता है, 15 नंबर कहता है कि a बराबर α 0 1 1, β 1 0 5 1। पूछ रहा है कि जहां ए स्क्वायर बराबर बी है तो अल्फा का मान क्या होगा। पूछ रहा है आपसे कि ए स्क्वायर बराबर बी है, यानी ए स्क्वायर का मान
बी के बराबर है तो अल्फा का मान क्या होगा? सुनिए, ए स्क्वायर का मान बी के बराबर है तो ए स्क्वायर के लिए आपको क्या बोले, ए स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है तो 2a बराबर बी के जगह पर जो मान है रख लीजिए, तो बी के जगह पर कितना है 1051। अब देखिए 2a, तो बाकी सब तो यहाँ पर चलेगा, सॉरी ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर निकालना है ना, तो यहाँ सब तो अलग अलग है ना, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। अब बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, देखिए यहाँ पर जब 2a हम निकालेंगे यानी ए स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा 0, 1 और 1, बाकी हमको किसी से मतलब नहीं, मतलब किससे है तो सिर्फ अल्फ़ा से, ठीक है, मतलब किससे है तो सिर्फ अल्फ़ा से। अब देखिए अल्फ़ा को यदि अल्फ़ा से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिएगा एक रॉ से सब कॉलम में गुना करना है तो अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, और जीरो को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, इसके बाद यहाँ ये 0, 0, अल्फ़ा को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा नहीं और सॉरी ये हो जाएगा आपका, इसका काम ख़त्म, इसके बाद तो ये दूसरा वाला का काम होगा ना, तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1, इसलिए अल्फ़ा बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1, अल्फ़ा बराबर कितना होगा प्लस माइनस 1, चेक कर लीजिएगा, अल्फ़ा बराबर होगा आपका प्लस माइनस 1 के बराबर, ठीक है, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1 के बराबर, प्लस माइनस 1 के बराबर, सॉरी यहाँ भी अल्फ़ा है ना, एक मिनट, यहाँ भी एक अल्फ़ा है ना, तो यहाँ देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 0 और यहाँ जब गुना करेंगे तो 0 और ये आपका हो जाएगा 0, पूरा क्रिया कर ही देते हैं, फिर हो जाएगा अल्फ़ा अब प्लस कितना 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 0 प्लस 1, क्लियर है कि देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बराबर यहाँ 1 है और यहाँ अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 5 है, इसका मतलब है कि अल्फ़ा का मान जो है निकालना संभव नहीं है, यानी अल्फ़ा का वास्तविक मान निकालना संभव नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन को देखा है, मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन को देखे हैं और बाकी बचे क्वेश्चन को 1 से 2 वीडियो में हम चाहेंगे कि ख़त्म कर दें इसको, यानी जितने भी टारगेट का क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, और आज जितने क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है आप एक बार खुद से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और बहुत सारे मैट्रिक्स का वीडियो जो नहीं देखे हैं आप, ठीक है, यदि आप सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर टोटल वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।